हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूआईडीए की तरफ से एक और गाइडलाइन जारी की गई है, जिसकी वजह से दाल प्लेटरों को बड़ा झटका लगा है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा भी जितने भी दाल ऑपरेटर थे, चाहे वो CSC से काम करते थे, चाहे वो किसी और कंपनी से काम करते थे, उन्हें कहा गया था UIDAI की तरफ से कि अगर वो आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं तो उन्हें किसी सरकारी संस्था में जाकर ही काम करना होगा। और कई कईयों ने ये काम कर भी लिया था। उन्होंने कई सरकारी संस्थाओं से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर अपने एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिए थे, पर अभी अभी UIDAI की तरफ से एक गाइडलाइन निकल कर आई है, एक सूचना निकल कर आई है कि जितने भी आपने अपॉइंटमेंट लेटर अपने एडमिनिस्ट्रेटरों को दिए थे UIDAI को देने के लिए, वो UIDAI ने अभी कैंसिल कर दिए हैं। और अभी अभी उन्होंने कहा है कि आपको फिर से रीअपॉइंटमेंट लेटर लेने होंगे और एक लेटर और लेना होगा, जिसमें आपको लिख कर देना होगा कि आपकी आईडी उसी संस्था में काम करते हुए डीएक्टिवेट हुई थी, ना कि किसी ऊपर काम करते हुए डीएक्टिवेट हुई थी। इसका मतलब है ये है कि आप पहले से ही उस संस्था में काम कर रहे थे, ना कि किसी ऊपर आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। ये कोई भी संस्था आपको नहीं लिख कर देगी कि आप पहले से इस संस्था में जहाँ पर आकर काम कर रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे तो संस्था आपको क्यों लिख कर देगी कि आप जहाँ पर काम कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि UIDAI आपको सीधे तौर पर फंसाना चाहती है और आपको काम से छुड़ाना चाहती है कि आप आधार कार्ड का काम ना करें। और ये UIDAI ने बहुत ही गलत गाइडलाइन निकाली है। अभी अगर आप फिर से रीअपॉइंटमेंट लेटर दे भी देते हो, मान लीजिए आपने लिख कर भी दे दिया कि आप पहले से इस संस्था में काम कर रहे थे, पर ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आपकी आईडी एक्टिवेट होगी या नहीं होगी। और ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आपकी आईडी एक्टिवेट होना या ना होना, अभी कुछ पता नहीं कि हो ना या ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।